अगर हमारा आदमी अखबार हो तो सब बोले पड़े झूठ ना दल बदलू मत ना दल बदलू नेता ना नहीं हम बोलम रे हम जे गद बोलू हरा सिंह चौहान कोड देनी है हां तू क्या कर रहे तू बोल कर दे जिन बराबर ठीक हो जे भैया नहीं नहीं कोड देनी हरा सिंह चौहान तू के दिलाओ क्या बताइए अपन वोट देखो हम से वोटिंग ले ले वोटिंग काहे के भैया अब घूमत खाली माहौल ना पता चले खाली माहौल पता चले हम भी लेते हैं मगर हम लोग का छोटा चैनल है अरे तो बहुत अच्छा है तो रिपोर्ट क्या बताया क्या जीत रहा है आपके हिसाब से दारा सिंह जीत रहे हैं इस बार गए कभी आने वाले हैं दारा सिंह जीता तो हमें बताया तो हमें बताई अरे भैया तू बस कटे रहा के पत्ता वाला है दूसरा आदमी हम गवा दबा मत दबा दबा वाला दबा वाला मान दबा वाला ना आया मतलब हम साबुत तोड़ वाला था क्या थे भाई ना वो राय दबा हमारे पहला वाला देखा था मैंने देखा था जी भाई तो सब चौहाने हैं आप लोग सारे लोग सब चौहाने हैं यहां पे लेकिन 70% चौहान भी टूट है लेकिन नहीं चौहान टूट नहीं है चौहान एक तरफ जा रही है सब सपा टूट है लेकिन यहां नहीं है ना कहीं तो होगा ना बहुत बड़ा है बराबर लेकिन आप 20 है तो कहीं वही यहां पर सपा भारी है मगर सपा सपा भारी है ना भारी है तो बराबर तो हो 19-20 हो भाई 19-20 नहीं 20 है लोग वो यानी कि लोग देख किसी और को रहे हैं बोल किसी और को ऐसा ना कि भारी कम तो लगा रही लेकिन यहाँ यहाँ से का दारा चौहान जी लेकिन दारा चौहान कहाँ से तू कैसे पता हमारे के रुक जा पाए तो हम ये कैसे पैसा तो दारा चौहान जी दोनों सरकार खाली मतलब कि सरकार हो तो दारा चौहान उस जी जो यहाँ पावर मेहरारू दारा तो लेकिन जनता पूरा साथ देती है ठीक है ये देखिए सुधाकर सिंह कह रहे हैं हाँ तो भाई ने तो सुधाकर सिंह का लतके क्यों कही है ये तो सुधाकर ये कह रहा पूरा वोट सुधाकर को है पूरा इनका तो बुला था तो है तो किसी का गोस्ता जी पर आवाज है भैया ए तू लोग बताओ दारा जी का कर दो अजय बताइए किसको वोट है यहां दारा सब सब हैं सब पैसा पावत हो सब इधर भाग गया सपा है कि बीजेपी बिरादरी एक है सर नहीं अच्छा जो 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 चमार बिरादरी है ज्यादा सपा को है 102 नंबर 108 नंबर बढ़िया लाभ मिलल हमारे सरकार में बतावा ये सरकार में का पांच लोग खाली आटा चक्की को ले तो जाई पांच लोग आटा के उनसे बदल हुआ है उनके लिए घातक मतलब अगर बल कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो भाजपा को वो ज्यादा बोल रहा है जीत के लिए वहाँ से तो जीवन न तेवन जीत जाए हां चला ठीक है आज बाजी पूरा समोसा इतना नहीं कम के नहीं 5000 अच्छा पैसा का मत लगाइए लोगों का मूड क्या है यहाँ का भाजपा है कि सपा है बताइए आपको सही सही बता दे रहा हूँ यहाँ कुछ लोग दबाव में है ठीक है दबाव में भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन हम ये कहे कि जो खुल के बोल रहे हैं लोकतंत्र में दबाव कहाँ है दबाव तभी अरे गाली नहीं कर तो यार तुम अकेले सपा के हो के और भी लोग हैं सब बता रहा हूँ हमारे कार्यालय में देखा तो बताओ वाला अच्छा यही मैं पत्रकार हूँ ठीक है अरे सपा अच्छा क्योंकि हमें कुछ आप लोग कुछ दबाव में डाले थे अभी ठीक है कि तुम मैं निकल अरे तुम सब आओ तो बाकी के पास भी है बाकी सब सफाई है अरे दारा सिंह चौहान क्या है आप भी बताइए इधर का माहौल किसका है ज्यादा देखिए 1% सही 1% बेसी भाजपा है एक परसेंट मान लो लेकिन बेसी भाजपा है भाजपा और 1% बेसी क्या भैया आप लोग मान लो अच्छा रुका इसे नाम सबसे पूछ लेते हैं ठीक है आप लोगों से पूछ लिए किसका माहौल है सच्चाई तो जरा सा लिया है जैसा दादा ने बोले बेसी या कम वो तो अलग की बात है और हमें जो लग रहा है जाति समीकरण के हिसाब से जाति सच्चाई है
ठीक है, लेकिन वोट ज्यादा किसको है? जातीय समीकरण के आधार से हमें लग रहा है इस बार के चुनाव में, क्योंकि बीएसपी ने जो है, नहीं ये तो गलत बात है, किसको कौन वोट दिया सब बात तो गलत है। हम कह रहे हैं कि जो बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारी है, इस वजह से यहाँ का जातीय समीकरण जो है बहुत गड़बड़ बैठ रहा है, अर्थात मतलब एसपी और बीजेपी में बहुत काटे की टक्कर। चलिए, किसका भैया माहौल आपके हिसाब से? माहौल तो सर देखिए, हम भी तो बीजेपी वाले हैं, लेकिन इस बार हम सुधाकर सिंह को वोट देंगे। अच्छा, किधर है भैया, किधर का माहौल है? हम तो साइकिल पर उठ गए हैं। साइकिल पर? किस बिरादरी से? चमार। क्या है आप लोगों का माहौल इधर, किसका है? साइकिल। साइकिल से समाज का वोट समाजवादी पार्टी किसकी ज्यादा जनता है यहाँ पर? बीजेपी। बीजेपी वाले? बीजेपी वाले सब बताओ तुम्हारे। तो यहाँ पे खड़े खड़े माहौल बन गया और लोग अलग अलग खेमों में बटे नजर आए, और कुछ लोग भाजपा तो कुछ लोग सपा की बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे।